बोला तो उसका भंडारा So, hello guys. ये है मेरा पहला ब्लॉग और मेरा नाम है विनायक पटेल और ये जो हमारा ब्लॉग है ये पूरा वैष्णो देवी माता जी का मंदिर का है। अब यहाँ से हम निकलेंगे अभी रिक्शा से या तो बस से, फिर वहाँ से ट्रेन से निकलेंगे। जय माता दी। हम लोग निकल चुके हैं रिक्शा से, अभी जा रहे हैं हम डायरेक्ट स्टेशन। सो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन हम जाएंगे डायरेक्ट ट्रेन के अंदर। चलो जय माता दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और सारे भाई लोग तैयार बैठे हैं। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, कम से कम 1 बज गई अभी, तो हम खाना खाएंगे। आप लोगों को पता है इंदौर से वैष्णो देवी का टूर इतना लंबा है कि क्या बताऊं, कम से कम 40 घंटे का रास्ता है, पूरा 40 घंटे इंतजार, मतलब 2 दिन आपको वेट करना है ट्रेन में। और आज सुबह से शाम तक तो हो ही गई है, 9 तो बज ही गई है, कम से कम 9 या 10 तो बज गई है। सुबह 11-12 बजे से निकले और 9 बज गई है, तो अब सोएंगे थोड़ी देर। वो खाना ना तो खा लिया था हमने, तो मिलते हैं कल सुबह। 7 hours later तो अभी हम रुके हैं मोहरी स्टेशन पे और सुबह की 7 बज रही है और इतनी खतरनाक ठंड लग रही है कि ओस ही ओस हो रही। देखो सब दूर, तो देख तो दिख रही है, कैमरे में नहीं दिखती है। बोलो मेरा भाई लोग, क्या हुआ अभी अभी? तो फाइनली पहुंच गए हम पंजाब, बाकी कोई नहीं कह सकता ये रिजर्वेशन वाला ट्रेन है। तो अभी पहुंच गए हम लुधियाना और ये है पंजाब में, और अभी समय हो रहा है मतलब 2 बज गई है दोपहर की, और यहाँ देखो तो पानी का मौसम, भयंकर पानी का मौसम हो रहा है और पानी भी गिर रहा है। हमारी चल रही है मस्ती, भयंकर वाली, भयंकर वाली।
तो गाइस जैसे ऐसा मेरे में पड़े ना ऐसा बंदा रहा हूँ। तेने तो जर्की बहुत खतरनाक मारा बेचारे को, बहुत खतरनाक धीरे धीरे मार रहे थे, जोर से लग गई बेचारे को। अभी रुके जम्बू तभी पे, और अभी यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मतलब क्या बताऊँ। अभी हमारे कटरा पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, और माता जी के दर्शन तो मतलब अभी अगले दिन ही होंगे शायद हमारे, क्योंकि बहुत समय लगेगा यहाँ से पहुँचेंगे। अभी वहाँ से पहुँचने के बाद अपने को होटल लेना, होटल लेने के बाद वहाँ पे रुकेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे से अपन सुबह नहा के धो के सब कुछ करके मतलब निकलेंगे। कटरा पहुंच गया है, और अब यहाँ से डायरेक्ट वैष्णो देवी जाएंगे। पहले तो होटल जाएंगे, और होटल जाने के बाद वैष्णो देवी जाएंगे। और पानी इतना भयंकर गिर गया ना यहाँ पे। और यहाँ से वैष्णो देवी माता जी की टेकरी भी दिखती है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो टेकरी दिख रही है ना, ये माता जी मतलब बहुत। तो फिलहाल अभी हम रेलवे स्टेशन के सामने एक दुकान है सिम की, तो वहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे सिम के नेटवर्क बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पे सिम लेने आए हैं। और सिम लेने चालू करने के बाद हम मतलब फोन वोन कर सकते, घर पे बात बात कर सकते किसी से भी। तो अभी फिलहाल गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी से हम डायरेक्ट अब होटल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए रूम में, और आपको रूम बताते हैं कैसा है। देखो ये हमारी पूरी टीम। जय माता दी, जय माता दी, जय साचे दरबार की जय।